वेलकम बैक टू माय चैनल संपर्क सर ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज संडे है, संडे खास है। संडे खास मैं लेकर के आने वाला हूँ कुछ स्पेशल, क्या लाने वाला हूँ उसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं बनाऊँ मटन की रेसिपी, तो इसलिए मैंने मटन सबसे पहले धो लिया है, मटन रखा अलग और तेल रखा है मैंने अलग। अब मैं मटन के लिए मसाला लूँगा। मैं मसाला में पीसूँगा अदरक लहसुन और हरा मिर्च, जो कि मैं मिक्सर में पीस लूँगा। मैं मसाला पीसूंगा, मिक्स भी मैं पीस चुका है, देख सकते हैं। अब मैं मसाला को निकाल लूंगा एक कटोरी में। मैंने यहाँ मसाला पीस करके रख लिया है, आपने देखा था मिक्सर का जार में था, मैंने मसाला को एक कटोरी में ले लिया है। यहाँ पे प्याज काट लिया है, दो टमाटर काट लिया है और मटन है। मैं इसे बनाऊंगा दादी जी के स्टाइल में, बड़े सरल और आसान तरीकों से। किस तरह से बनाता है उसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। टमाटर भी डाल दूंगा। और उसके बाद जो मैंने मसाला पीस रखा है, हरा मिर्चा, अदरक लहसुन और जीरा, वो भी डाल दूंगा। डाल करके मैं इसमें दो चम्मच नमक लूंगा। दोस्तों नमक अपने हिसाब से डाला जाएगा, नमक ज़्यादा हो जाएगा तो खाने में फिर अच्छा नहीं लगेगा। सूखा मसाला में हल्दी 1 से 1.5 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच डालूंगा। ये है मसाला 2 चम्मच डालूंगा। धनिया पाउडर 2 चम्मच डालूंगा। हल्का सा तेल डाल दूंगा। तेल डाल करके मैं इसे अच्छी तरह से मिलाऊंगा। दोस्तों तेल गर्म हो चुका है। दोस्तों मैं इसमें गोटा गरम मसाला और तेज पत्ते से छौंक लगा दूंगा। लगा दिया हूँ दोस्तों। अब यहाँ मैंने जो मटन को मसाला देकर मिला रखा है, मैं डाल दूंगा। मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई करूंगा। बांगा तो मैंने तो अभी भालू को रेखे कौसा को मिनिमम 7 से 5। दोस्तों यहाँ पे काम चल रहा है, इसीलिए साइड से आवाज आ रहा तोड़ने फोड़ने का, इसके लिए सॉरी दोस्तों। बंधुरा हम एक भालू पूरे कोसा थी दोस्तों। मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई कर रहा हूँ। दोस्तों मेरा 1 से 2 मिनट और फ्राई होगा। बंधुरा एक हमार 1 से 2 मिनट और कसानो हब, तारपर आमी एर मध्ये जल दिए दिब। देखते जा भालो करे कसाच्छी आमी, ताकि टेस्ट भालो लागुक। दोस्तों देख रहे हैं मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई कर रहा हूँ, ताकि मटन खाने में मजा आए। ये तेल देख रहे हैं, मैंने तेल अभी थोड़ा देर पहले डाला है इसमें, क्योंकि तेल को मैंने अलग रखा था, तेल गल जाता है इसी वजह से। दोस्तों मेरा फ्राई अच्छी तरह से हो चुका है। बंधुरा हमारे कसानो भालो करे हो गए, देखते पड़ते थे तुम्हारे। अब हम एर मध्य जल दीब।
জল রেখেছি আমি দিয়ে দিব এর মধ্যে দিয়ে আমি ভালো করে এটাকে সব दोस्तों मैं मटन को ढक दूंगा मिनिमम 5 मिनट के लिए क्योंकि मटन है मटन पकने में टाइम लगता है दोस्तों इसलिए मैं इसे ढक दूंगा 5 मिनट के लिए। आंच को फ्लेम कर दिया मैं इसे ढक दिया। चलिए 5 मिनट के बाद मैं देखता हूँ मटन का मेरा क्या हाल है। दोस्तों जब तक मेरा मटन सीझता है तब तक मैं स्नान करके चले आता हूँ। सो दोस्तों मिलते हैं स्नान करने के बाद। दोस्तों मैं स्नान कर लिया हूँ, चलिए अब मैं मटन को देख लेता हूँ मटन का क्या हाल है। 5 मिनट हो चुका है दोस्तों, मैं मटन का हाल देख लेता हूँ क्योंकि मटन है मटन को पकने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है दोस्तों, इसलिए मटन को देखना पड़ेगा मेरा मटन का हाल क्या है। और 102 मिनट लग गया दोस्तों मटन को पकने में, मेरा मटन को पकने में और 1 से 2 मिनट लगेगा दोस्तों। मैं ढक दूंगा। दो मिनट हो चुका दोस्तों, मैं मटन का हाल देख लेता हूँ। मटन सीझा है कि नहीं मैं संपा जी को चेक करने के लिए दूंगा। संपा जी आप लोगों को चेक करके बताएगी मटन सीझा है कि नहीं। संपा जी बना कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी। दोस्तों मेरा मटन हो चुका है, मैं गैस बंद कर दूंगा और मटन को मैं दूसरे बर्तन में डाल लूंगा। मैंने मटन दूसरे से बर्तन में डालकर के रख लिया है। दोस्तों संपा जी ने तो बताया मटन अच्छा ही बना, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मटन मेरा बना कैसा है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अवश्य कमेंट करिएगा। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक, फिर कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। जिन दोस्तों भाइयों बहनों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे अनुरोध है कि वो जाकर के हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो। सो एवरीवन बाय बाय।